हेलो फ्रेंड्स, हम राकेश, यूर वॉचिंग कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। और मैं आज को बताने जा रहा हूँ आगे का क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए एप्लीकेशन लेके आया हूँ कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस, जिसे आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। और सबसे बड़ी खास बात ये थी उसकी ये है, जो मैं आपको फ़ीचर्स हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो अत्यंत ज़रूरी है आपके लिए जान देना। कि देखिए, वोकैबुलरी है जो इंग्लिश में काफ़ी मायने रखती है। वोकैबुलरी का जो सेक्शन है हमारे पास, उसमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया है। सिस्टम ये है कि जब एक वोकैबुलरी आप याद कर लेते, एक वर्ड मीनिंग याद कर लेते, तो वो दोबारा आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से वोकैबुलरी आपको याद है और कौन कौन से नहीं। उस हमारे एप्लीकेशन में जो सुविधा और भी दी गई है वो है ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव अब 60 नंबर का हो चुका है, जिसमें 50 मार्क्स अत्यंत इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो एप्लीकेशन, उसमें वोकैबुलरी प्रचुर मात्रा में दिया गया है और इसमें हम बार बार अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिसके कारण और भी वोकैबुलरी इन दिए जा रहे हैं। यानी कि इतनी वोकैबुलरी इसमें दी गई, इतनी दी गई कि आपको मार्केट में बुक खरीदने पे भी नहीं, आप 200 400 का बुक भी खरीद ले, 800 10 का, तो भी आपको इतनी वोकैबुलरी नहीं मिल पाएगी जितनी हमारे पास है, वो हो चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन में आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि पढ़ना आपको क्या है, सिलेबस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको उसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का एक टैब आएगा नीचे में, एक टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस आएगा जब भी डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। प्रैक्टिस का जो टैब है खोल के देखिएगा आपको, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेहतर सुविधा उसमें क्या है कि अगर वो प्रैक्टिस टैब में आप जाके देखते हैं तो उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ प्रैक्टिस, मतलब कि क्या आपको सीखना है। तो इस बात को हाईलाइट करना जो कि आपके प्रॉब्लम को कम करती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की यही इच्छा होती है कि ज़्यादा समय नहीं गवाया जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होता है हमारा सब्जेक्ट, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा जाए ताकि हमें नंबर भी उसमें काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश अब तो 100 मार्क्स की हो चुकी है, आपको भी पता है। तो इस प्रकार से इन सारी सुविधाएं से लैस हमारी जो नई एप्लीकेशन है कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है अगर आप डाउनलोड करें तो। देखिए, मैं बार बार आग्रह नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ये आपके लिए और किसी के लिए बहुत कामयाबी का साधन हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा समय की कमी है। और मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंटों को कि जो परेशानी हम लोगों, हमारे टीम को झेलनी पड़ी है समय की कमी की वजह से, हमें से प्रत्येक लोग हैं, जेवला सर हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया, उन्होंने ये चीज़ देखा है कि सबसे ज़्यादा मार आदमी उस समय खाता है कि आपके पास समय की कमी पड़ जाती है। अभी आप एग्जामिनेशन का समय की कमी है और आप दौड़ेंगे क्रैश कोर्स की ओर, जबकि यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है। आपको ये सुविधा मिला है कि अगर आपको नहीं पता चल पाता कि कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, आप उसी चैप्टर के वीडियो, ऑडियो, साथ ही साथ PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, कौन ऐसी चीज़ें जो आपको मिस करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। इस जो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इस एप्लीकेशन को अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो भी करो गलत इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ने के लिए। अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं है तो समझो कि आप 12th का स्टूडेंट हो ही नहीं। और ये मैं बोल रहा, मैं आई लिटरली मीन इट, मेरा वास्तव में ये मतलब है। आप इसे डाउनलोड करके जिससे भी दे दोगे आप गिफ्ट के रूप में, वो आपका नाम लेगा, क्योंकि इसमें वो सारे चीज़ें हैं जो एक क्लास में सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाती जब यहाँ पे दी गई है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये गिफ्ट से कम नहीं है आपके लिए। ये तो आपको जानकारी तब मिलेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा, तब पता चलेगा आपको। तो इस गिफ्ट को आप एज ए स्वीकार कर लें और डाउनलोड कर लें, अन्यथा पता है ना कि गिफ्ट हमेशा नहीं बैठती है, एक समय होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, अगर इंसान को इशारा ही काफ़ी होता है तो समझ जाइए। और इसे डाउनलोड करके आप अपने दोस्तों को भी बताइए, सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए एप्लीकेशन से, रजिस्टर कीजिए, यूज कीजिए और जो भी परेशानी है उसे शेयर कीजिए, उसे 24/7 किसी भी समय आपको आंसर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी समय दिया जाएगा, किसी समय नहीं, उसी समय दिया जाएगा। तो आप घर बैठे ही, ना कोई कोचिंग है, ना कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं, क्वेश्चन का सवालों का आंसर लीजिए और अच्छे नंबर से मार्क्स पास कीजिए। इंग्लिश का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।
अगर इस मौके को आपने छोड़ा तो फिर दोबारा मौका आने वाली बात नहीं है। इसे आप बहुत सीरियसली लीजिए इस बात को, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से संबंधित है। दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन आने ये जो गया हुआ समय नहीं मिलेगा। और एक सही उत्तर आपके 299 से 300 कर देगा, और 300 से 350। बात को समझिए, अन्यथा काफ़ी लेट हो जाएगी। यही मेरा आपसे आग्रह है कि कोई टीचर आपसे आग्रह कर रहा है कि आप पढ़ें, पता नहीं आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप हमारी बात को लाइटली ले रहे हैं, जबकि मैं गलत नहीं बोल रहा, ये आपको भी पता है। ठीक है, इसे गिफ्ट के रूप में सभी को बताइए। अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ज़िंदगी आपके हाथों से बदलेगी, वो नाम आप ही कर लेगा। ठीक है, तो इस बात के लिए आप जिम्मेदार होंगे अपनी सफलता और असफलता के लिए। चलिए आगे, तो मैं आज बता देता हूँ। डी से, वाई वॉज द ऑथर वेरी केयरफुल अबाउट अप्रोचिंग द लेपर्ड? क्यों लेखक बहुत केयरफुल था लेपर्ड के पास जाने के समय? आंसर दिया गया कि लेपर्ड वॉज वेरी केयरफुल अबाउट अप्रोचिंग, वो बहुत ही सावधान था, है ना, बिकॉज ही बिलीव इन ए ओल्ड जंगल सिंह, क्योंकि जंगल की जो पुरानी कहावत होती है उसमें विश्वास करता था। इट इज़ नेवर सेफ टू अज्यूम दैट अ लेपर्ड इज डेड, कहता ये कभी भी सेफ नहीं माना जाता है कि एक लेपर्ड जो है वो मर गया, अनटिल इट हैज बीन स्किन, जब तक कि वो उसकी चमड़ी नहीं दुगी। दिस शोज हिज कॉशंस, जो कि यह उसके कौशन को दिखाता, मतलब अलर्टनेस को दिखाता उसके अप्रोच में, कि वो किस प्रकार से सोचता था उस लेपर्ड के बारे में। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हंटर, जो कि हंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डू मैन इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे आर लेजी? क्या आपको लगता है कि लोग मशीन का आविष्कार करते थे इसलिए क्योंकि वो लेजी थे? नो, इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात सत नहीं है। मैन डू नॉट इन्वेंट मशीनरी, आदमी मशीनरी का इन्वेंट नहीं करते, बिकॉज दे आर लेजी। दे डू सो बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव टाइम, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं फॉर ग्रेटर एंड नोबलर थिंग्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मशीन आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। मशीन जो होते हैं वो मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए होते हैं, मानव जाति के उत्थान के लिए होते हैं। क्लियर, अब आगे देखते हैं। डिस्कस द आइडिया कंटेन इन द पोएम एडलस्टॉप। एडलस्टॉप में क्या आइडिया डिस्कस किया गया है? कहता है, एडलस्टॉप इज ए वंडरफुल पोएम बाय एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर सी कविता। थॉमस अ वेरी फाइन लूसिड एंड सेंसिटिव पोएट, जो कि काफ़ी आसान और सेंसिटिव पोएट है। सेंसिटिव का मतलब होता है, ठीक है, जो किसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है, सेंस लगा कर समझता है। दिस पोएम हैज़ टू साइड, इस पोएम के दो साइड हैं। द फर्स्ट साइड इज अबाउट टू ट्रेन विच रीचेज द एडलस्टॉप स्टेशन। पहला साइड यह है कि एक ट्रेन एडलस्टॉप स्टेशन पहुंचती विदाउट एनी प्लेस दैट इज अनवांटेडली, है ना, जहाँ पे कोई उस चाहत नहीं है। सेकेंडली, द पोएम शोज अ फाइन सेंसिटिवनेस टू द नेचर, प्लस वो सेंस मतलब दिखाता है नेचर के प्रति रुझान अपना दिखाता है, स्पेशली द रूलर वन, खास करके वहाँ पर रूलर एरिया का जो नेचर है। द पोएट ब्यूटीफुली लिंक्स दीज टू साइड्स टू द पोएम। अब पोएम जो है, एक तो ट्रेन का जो वहाँ अप्रोच होता है कैसे होता है उसको दिखाता है, दूसरी तरफ गांव के वहाँ के जो मतलब सीन है उसको क्रिएट करता है। ही कंपेयर्स द स्टिलनेस टू ऑफ द स्पेस ट्रेन टू द स्टिलनेस ऑफ द नेचर इन द थर्ड स्टंजा। कहता है कि स्टिल लोनली, ऐसा बोल करके थर्ड स्टंजा में लाइन में वो इस बात को दिखाता है कि कितना शांति होता है ट्रेन में और नेचर में। बट इन द लास्ट स्टंजा मोशन विच एक्सप्रेस द ट्रेन हैज लॉस्ट इज नाउ गिवन ओवर द नेचर। और थर्ड स्टंजा में ये दिखाता है कि लास्ट स्टंजा में कि क्या गति होता है जिसने जो कि ट्रेन एक्सप्रेस करता है, और वही गति ट्रेन लॉस्ट कर गया और नेचर को दे दिया है। थस इस प्रकार से
One black bird sang its song and was picked up quickly by another bird. जब एक चिड़िया गाती है तो वही गाना दूसरे चिड़िया द्वारा उठा लिया जाता है. फादर फादर मूविंग विद द स्पीच और स्पीच के साथ चलते रहता है. लाइक एक्सप्रेस ट्रेन मानो कि एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मैंने एक चिड़िया गाती है फिर दूसरा चलता है फिर उसके बाद वो गाती है और उसको लगता है ट्रेन जा रही है. थस फ्रॉम वन टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट वेयर द माउंट ट्रेन मूव्स इस प्रकार से एक फिजिकल मूवमेंट से ट्रेन मूव कर जाती है आगे चल जाती है. ठीक है. बी मूव फिजिकली अलॉन्ग विद इट और हम लोग भी एक साथ चलते हैं उसके फिजिकली. बी गो टू अनदर टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट हम दूसरे प्रकार के फिजिकल मूवमेंट में जाते हैं. दैट इज वेयर इज द साउंड वेयर द साउंड मूव्स अब कहाँ ये साउंड जा रहा है. वी मूव मेंटली अलॉन्ग विद इट हम भी उसको दिमाग लगाते हुए जा रहे हैं. वी कैन देयर फॉर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पोएट वॉन्ट्स टू शो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ मशीन एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर थ्रू हिज पोएम. द पोएट क्या दिखाना चाहता है काफ़ी अच्छा आंसर है कि पोएट दिखाना चाहता है क्लोज रिलेशन मतलब घनिष्ठता दिखाना चाहता है मशीन ऑफ वर्ल्ड के बीच में और वर्ल्ड ऑफ नेचर के बीच में किसके द्वारा अपने पोएम के द्वारा. मिलते हैं कल इक्को में. बाय.